गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि बड़ी है स्मूथली ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ जो कि वहीद साहब ने प्रपोज किया। कल हम लोग कुछ लोग फ़ोनों पे, कुछ लोग फिजिकली बैठे और एक मशवरा किया कि हमें मीडिया को कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स करने हैं। अपडेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये है कि पहले तो हमने शुक्रिया करना था सबको, और वहीद साहब और मेरे ग्रुप की तरफ से जितने हम परसों 42 लोग थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, हम सब एक दूसरे को भी कॉरपोरेटर्स को शुक्रिया करना चाहते हैं कि जो मिशन हमने शुरू किया था उसका एक पहलू हमने अचीव किया। अब ये जो 42 लोग हैं, इन्होंने जो जंग करप्शन के खिलाफ उठाई है उसमें टारगेट कुछ लोग हो रहे हैं, वो अपडेट आपके ज़रिए हम देना चाहते हैं। और हमें लगता है कि आज की डेट में हमारी नेक नीति, जैसे हम नेक नीति से चल रहे हैं, वैसे ही नेक नीति से गवर्नमेंट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया। बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट, पुलिस का, क्योंकि उन्होंने म्यूनसिपैलिटी का साथ दिया, उन्होंने 70 और 70 कॉरपोरेटर्स का साथ दिया। उसमें विक्टोरियस जो निकले हैं वो 42 लोग निकले हैं जो शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो सब कॉरपोरेटर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ अब ये कहना चाहता हूँ कि कुछ इंसिडेंट्स हमारे जो ग्रुप के कॉरपोरेटर्स हैं उनके खिलाफ हुए हैं। गवर्नमेंट और पुलिस से गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए कि हमारा जो ग्रुप है उन पर अटैक हो रहे हैं। जैसे एक हमारी कॉरपोरेटर साहिबा नाजिया जी हैं, उनके घर में 11:08 पर उनके मोबाइल पे मैसेज आता है मुबारक, और उस पर उसके बाद गॉड ब्लेस यू। और 11:30 रात को उसके घर में ग्रेनेड रखा जाता है, तो सुबह पुलिस बड़ी इफेक्टिवली उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन आपके ज़रिए ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कल्प्रिट्स शुड बी बिहाइंड बार्स। अफरोजा जी दूसरी कॉरपोरेटर साहिबा जडीबल की ही हैं, उनकी गाड़ी घर के बाहर होती है, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, तो वो भी पुलिस के सामने हमने रखा हुआ है, फॉर्मल कंप्लेंट्स भी की हैं। तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह कल्प्रिट्स विल बी बिहाइंड बार्स, लेकिन वी वांट टू अपडेट गवर्नमेंट और पुलिस को कि गुजारिश है कि इन कॉरपोरेटर्स की सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पीछे पर्सनल गाड़ी के पीछे सुबह 7:45 मैंने वो सेंट्रो का नंबर भी दिया था, JK01S6 कुछ था, और ग्रे सेंट्रो, एक कॉरपोरेटर साहिब के भाई साहब थे जिन्होंने पीछा किया, मुझे पकड़ने की कोशिश की, बरजुल्ला थाने में उसको भी पकड़ लिया गया, तो वो भी एक अटेम्प्ट टू हर्ट मी, अटेम्प्ट टू मर्डर था। इसके अलावा हमारे कुछ कॉरपोरेटर हैं, जरीना जी हैं या वहीद साहब हैं या और एक दो अफराद हैं हमारे साथ जो कॉरपोरेटर साहिब और साहिबा हैं, इनके घरों के बाहर कभी जडीबल इलाके के लड़के घूमते हैं, कभी बाइक पर घूमते हैं, मतलब इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इस लेवल की सियासत पर कोई गिर रहा है। मैं किसी एक पर्सन पर अक्यूज़ नहीं करना चाहता, मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न, वी ऑल द कॉरपोरेटर्स आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, एंड नीड ऑफ एन आवर इज़ काइंडली सिक्योर द कॉरपोरेटर्स, एस्पेशली द कॉरपोरेटर्स who have, you know, taken an initiative against corruption. इसके अलावा मेरे कुछ साथी आसिफ साहब हैं जो उस कैंप में गए फॉर courtesy sake, वहाँ पर उनके साथ बैठे, इनको चाय पिलाई गई, चाय में कोई सब्सटेंस डाली गई, ये उस दिन बड़ी मुश्किल से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने आए, आज की डेट में इनको खून की थूके आ रही है, और इनको टेस्ट किया, हम कराने जा किया है टेस्ट, तो उसका रिजल्ट का अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ मेरे दूसरे साथी अशरफ पालपुरी साहब हैं, ये वहाँ पर गए, इनको लगा कि वो कैंप इनकी मर्ज़ी के हिसाब से, इनके जहन के हिसाब से वो पावरफुल कैंप है, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर पाया कि वहाँ 10 लोग के अलावा नहीं है, तो इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, इनकी चाय में कोई सब्सटेंस डाला गया, और उसके बाद इनको वीडियो उठाया गया, जिस वीडियो में ये कहते हैं कि मैं शेख इमरान साहब को माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और वो वीडियो वायरल किया गया कि वो मेरे घर का है। मैं इन सब चीज़ों का चाहता हूँ कि तहकीकात हो, क्योंकि ज़िंदगी सब कुछ है, अगर हम जिंदा हैं तो ये कॉरपोरेशन जिंदा है, तो
तो ईच एंड एवरीथिंग विल गो ऑन स्मूथली। इसके अलावा जो नंबर्स आजकल फ्लोट किए जा रहे हैं कि इतने नंबर्स फलानी के पास है, इतने नंबर्स फलानी के पास है और 50 का मार्क क्रॉस किया जा रहा है, बदकिस्मती से ये 50 का नंबर्स तभी क्रॉस होता अगर ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप देख चुके हैं। अब बाकी नेशनल पार्टीज को धोखा देने के लिए या नंबर्स ट्विटर पर आप अपडेट करोगे, हम उस चीज़ के शिकार होने वाले नहीं हैं। हम पहले भी बड़े इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, बड़े ही स्ट्रैटेजिकली नो कॉन्फिडेंस के फ्लोर पर पहुंचे थे और इंशाल्लाह इसके बाद का मरहला भी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे कॉरपोरेशन के नंबर्स 16+1 17 कांग्रेस के पास हैं, 4 बीजेपी के पास हैं, 50 इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि रीजनल पार्टीज ने बॉयकॉट किया। अब रीजनल पार्टीज को लेबल दी जाएगी किसी और पार्टी के साथ या हमें लेबल किया जाएगा, ये बखूबी सब जानते हैं कि असलियत क्या है। लेकिन एक चीज़ का दुख है हम सब कॉरपोरेटर्स को कि हार जीत इज पार्ट ऑफ दिस, ये एक रूटीन प्रोसेस है। अगर इस रूटीन प्रोसेस को इतना सीरियसली कोई लेगा कि हमारी जिंदगियों पर खतरा हमें लगेगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट इज देयर, पुलिस इज देयर, हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वंडरफुली, एंड आई रिक्वेस्ट देम थ्रू यू कि काइंडली वी रिक्वेस्ट यू। इसी जगह पे किसी और ने भी रिक्वेस्ट की थी और बोला था मैं अपनी सिक्योरिटी हफ्ते तक विड्रॉ करूंगा सिक्योरिटी डिटेल्स अगर सिक्योरिटी कॉरपोरेटर्स को नहीं मिली। हम यहाँ धमकियाँ और लड़ाई गवर्नमेंट के साथ करने नहीं आए हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से कि कॉरपोरेटर्स को सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योर्ड एकोमोडेशन दी जाए और कॉरपोरेटर्स दिलो जान से मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और शहर को बनाएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। बस इतनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस।